आम आदमी पार्टी की सरकार में अगर कोई अधिकारी सिगरेट पीता है या तंबाकू चबाता है तो उसे अपना पद गंवाना पड़ सकता है। ये दलील दी है दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस चेयरमैन आशीष खेतान ने आशीष जोशी को हटाए जाने के पीछे। टेलीकॉम सेक्रेटरी को उन्होंने लेटर लिखा है और वजह बताई है कि किस कारण दिल्ली डायलॉग कमीशन से और उसके बाद ड्यूसूप से किन कारणों से आशीष जोशी को हटाया गया। आशीष जोशी वर्सेस आशीष खेतान का जो विवाद है वो नया नहीं है, लगातार ये चर्चाओं में बना रहा है। इस समय आशीष जोशी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, आज इस तरह की चीज़ें जब सामने आई, आपका रिएक्शन? देखिए, मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई पत्र मिला नहीं है, तो जो भी आया है उससे ये अगर ये सच है तो लगता है कि ये मंद बुद्धि और विषभ मानसिकता वाले लोगों ही इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक ये मैं करता हूँ सेवन पान मसाला, गुटखा गलत है, गुटखा तो बैंड है, पान मसाला मैं तुलसी कभी कभी कर लेता हूँ और सिगार अच्छा लगता है, बट ऑफिस के अंदर कभी नहीं किया है। अब उस तरह से तो आप कल कहेंगे कि मैं मटन और चिकन खाता हूँ। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, चलिए मैं सिगार पीता हूँ, बट उन लोगों का क्या है जो लोग लोगों का खून पीते हैं? आपको लग रहा है कि खून पिया जा रहा है अधिकारियों का? अब आप समझ लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दुखी हैं आप? देखिए, सिविल सर्वेंट हूँ, दुख नहीं है, आक्रोश है। आक्रोश है, इस तरह से नहीं व्यवहार होना चाहिए। एक सभ्य समाज में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, एक एक डिसेंसी होती है, उस डिसेंसी के दायरे में होती हैं। आप मेरे काम के बेसिस में क्वेश्चन करिए। आप पहला, शायद देश का पहला ऑफिस होगा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जो टोटली पेपरलेस है। चीफ डिजिटाइजेशन ऑफिसर, उसको हमने 7 महीने में पूरी टीम के साथ हमने पेपरलेस कर दिया, कोई फिजिकल फाइल नहीं है। आप काम के बारे में उंगली उठाइए, आपको काम के बारे में कुछ नहीं मिला तो आपने 1 महीने में रिसर्च करके ये निकाला है? शर्म, बिल्कुल, इट्स मैटर ऑफ शेम। शेम टू होम? आप समझ लीजिए, शेम टू द पीपल इफ इट इज ट्रू दैट दे हैव गॉन टू सच अ लेवल, दे हैव स्टूप डाउन टू सच अ लेवल। आशीष खेतान आपको सुन रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? आशीष खेतान जिनसे विवाद आपका चला है। मेरा किसी पर्सनल कोई विवाद नहीं है, इट इज़ अ मैटर ऑफ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ, डेपुटेशन में गया था स्टेट गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के साथ ठीक दुर्व्यवहार किया है। और रूल्स बड़े क्लियर हैं, DOPT के गाइडलाइंस हैं, ऑर्डर्स हैं 2010 के, कि अगर आप डेपुटेशन में किसी ऑफिसर को ले रखा है, अरे आपने डेपुटेशन में लिया तो मेरे ACRs आउटस्टैंडिंग है उसके बेसिस में लिया, मुख्य सचिव ने इंटरव्यू लिया उसके बाद मेरा कमिटी ने किया और आपने रातों रात हटा दिया। DOPT के गाइडलाइंस ये हैं कि 3 महीने का नोटिस जाता है लैंडिंग डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को नोटिस जाना चाहिए था और मुझको, वो नहीं किया। रूल्स का पालन करना पहले सीखें और फिर लोगों पे लांछन लगाएं। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पुराने मुख्य सचिव, मैं तो सिगार बाहर जाके पीता हूँ, ऑफिस के अंदर नहीं, पर पुराने मुख्य सचिव मिस्टर सुपोलिया तो ऑफिस के अंदर सिगरेट पिया करते थे, चेन स्मोकर हैं। तो ये पर्सनल चीज़ों पे अटैक करके गलत बात है, आपको सिविल सर्वेंट के काम के बेसिस में असेसमेंट करना चाहिए। तो क्या आप कोई रेकमेंडेशन सर उनके लिए, क्योंकि आपने विपासना का जिक्र किया था और कहा था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाना चाहिए, लगता है कि जो अधिकारी हैं वो सही से व्याख्या नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो गुमराह हो रहे हैं, कानून के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे? देखिए, अधिकारियों का काम होता है, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, हमारा काम है एडवाइजरी रोल, हमारा काम होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रोज एंड कॉन्स बताना किसी भी निर्णय में, ये सही है ये गलत है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप दिल्ली सरकार में सुन ही नहीं रही है, क्योंकि मुख्य सचिव वहाँ शर्मा जी इतने अच्छे कर्मठ, गोवा में उन्होंने इतने चेंजेस लेके आए, मुझे लगता है उनके रहते हुए ये सब हो रहा है, बड़े आश्चर्य की बात है। लगता है सर आपको सारे यस मैन ऑफिशियल्स हों चाहे पॉलिटिशियंस हों, जो हाँ में हाँ मिलाता रहे वो सरकार के साथ या फिर पार्टी के साथ बना रहेगा, अगर आपने एक भी शब्द
उनकी सोच से अलग कहा तो आप नतीजा वही होगा जो आपके साथ हो रहा है। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर उस पर नहीं कहूँगा। मैं यही कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट आई है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव, बड़ा क्लियर कट उसमें सजेशन दिए गए हैं। सुझाव यह है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दीजिए, अच्छे जहाँ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसमें ईमानदार इफेक्टिव ऑफिसर्स को लगाया जाए। मैं यही कह सकता हूँ कि इतने जो वादे और स्कीम जो किए हैं उसका तभी कारणित हो सकते हैं कि अगर वो ईमानदार और इफेक्टिव ऑफिसर्स को लगाएं। और मैं यही मुख्यमंत्री जी से सुझाव दे सकता हूँ कि आप पहले अपने ऑफिस से ईमानदार और इफेक्टिव ऑफिसर्स को लगाना शुरू करिए और जगह अपने आप चीज़ें सुधरने लग जाएंगी। ईमानदार इफेक्टिव तो आप भी थे साहब, तो इसीलिए तो सुझाव दिया जा रहा है कि आप, मैं अपने बारे में क्या कह सकता हूँ। मेरे बारे में जो मेरे साथ लोग काम कर रहे थे उनसे पूछिए। मेरे बारे में अगर आपको पूछना है तो फॉर्मर सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स, फॉर्मर सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर ईडी वर्ल्ड बैंक एमएन प्रसाद साहब से आप पूछिए, साहिदा हमीद से पूछिए, मेंबर प्लानिंग कमीशन। मैं अपने बारे में क्या कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे साथ मैंने काम किया है उनसे पूछिए। सर, आपको लगता है कि ये आप उनके साथ तालम ताल रहते तो इस तरह से आपको निजी हमले नहीं होते आपके ऊपर? अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, इससे तो यही लगता है। अगर वो चाहते हैं कि ऑफिसर्स रबर स्टैंड के तरह काम करेंगे तो अब ये उनको पता होना चाहिए कि अभी भी सिविल सर्विस में बहुत ऑफिसर्स हैं जो कि रबर स्टैंप की तरह काम नहीं करते हैं और सफ़र करते हैं। और भी ऑफिसर्स हैं इस तरह की घुटन में? बिल्कुल हैं। जो भी, मैं बिना नाम लिए ये कह सकता हूँ कि दिल्ली सरकार में अभी जितने कई ऑफिसर्स हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं, उनकी बात सुझावों को सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा है और ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, फाइनली चाहे ब्यूरोक्रेसी है चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है, किस लिए बनती है डेमोक्रेसी में? लोगों की सेवा के लिए। अगर आप लोगों की सेवा के लिए आप कारणित ही नहीं कर पाएंगे स्कीम्स, तो फिर फ़ायदा किसका होगा? लोगों का तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप ब्यूरोक्रेसी को नाराज करके, नज़रअंदाज करके, प्रताड़ित करके आप कुछ नहीं पा सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न सर, आपके ऊपर जो निजी हमले किए गए हैं, जो वजह बताई गई है आपको हटाने की, आपको लगता है कि आपको इसको कानूनी चुनौती देनी चाहिए आशीष खेतान के खिलाफ? देखिए, ये इन चीज़ों पे समय बर्बाद करना, देखिए आप सड़क में जाते हैं, पागल आदमी होता है सड़क में, पागल आदमी खड़ा होता है, क्या करते हैं लोग, वो कुछ कुछ बोलता रहता है, आप क्या करते हैं, आप उसको जाके कन्फ्रंट करते हैं या उसको अवॉइड करते हुए साइड से निकल जाते हैं? लेकिन वो पागल आदमी जब आपको हिट करें तब क्या चीज़, पागल आदमी जब आपसे हिट करें आपको लड़ने लगे? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अगर मेरे को फिजिकली पेपर मेरे हाथ में आता है, मुझे तो पता नहीं है, जानकारी तो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, उनको कहाँ से पता चला क्या, मुझे तो कोई नहीं है, बट मैं ये जो कुछ भी मैंने कहा है ऑन द बेसिस कि ये शायद सही हो, और अगर सही है और एक बार जब पत्र मिलेगा, अगर एक्सप्लेनेशन कॉल होगी तो उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है, ज़रूर करूंगा कुछ ना कुछ। तो कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा। आशीष जोशी कम शब्दों के अंदर बड़ी बात कह रहे हैं कि एक पागल व्यक्ति अगर कुछ सड़क चलते आदमी को कुछ कहता है तो उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया जाता। कैमरामैन ललित के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।